जी इरादरी ने सोचा था हम करना वाला के एक चौथे इसको निशाना चौथे लाइन में पकड़ा और मेहताब हंसे चौक बोले या शर्मा चौक बोले या सुकून वाला चौक बोले कि हमेशा से हर तरह की सरगर्मियों का जड़ा वाला में मरकज रहा है ये चौक जो है तो इस चौक में मौजूद है। इस चौक पे जमात इस्लामी जड़ा वाला का जो कैंप है वो लगा है सैलाब ज़दगान के लिए, सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए। हमारे साथ जमात इस्लामी के वर्कर्स मौजूद हैं जो रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस कैंप की ये बात खासकर मैं ये कहना जरूरी समझूंगा कि रात के अगर 12 बजे मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे चहल पहल नज़र आती है और रजाकार यहाँ पर बैठे नज़र आते हैं। सर जमात इस्लामी के हवाले से और कितने इस वक्त तक हमने जड़ा वाला में 3 कैंप लगाए हैं, 140 कोर्ट पे है, एक सहमा चौक है और एक कल हमने कचहरी बाजार लगाया था। अब तक हम काफ़ी तादाद के अंदर सामान भी और कैश नकदी जमा कर चुके हैं। हम इंशाल्लाह सामान की तरतीब दे रहे हैं। हमने जो फंड इकट्ठा हो रहा है कैश की सूरत में वो ज़ाहिर अमल खिदमत फाउंडेशन के हेड ऑफिस में जमा करवाएंगे, वहाँ से वो उसको तरतीब करेंगे। वो जो सामान यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं हम यहाँ से इंशाल्लाह उसको खुद यहाँ से अगले हफ्ते के अंदर हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह देख के हम जड़ा वाला से उसी सैलाबज़दा इलाके के अंदर लेके जाएँ। अच्छा सर, मैंने तकरीबन तमाम कैंप्स पर गया हूँ और मेरा एक सवाल है कि वहाँ पर जब सामान लेके जाते हैं तो वहाँ से हमें सलाह आ रही है कि वहाँ पर सामान को लूटा भी जा रहा है, तो इस हवाले से आपने कोई लाया पर तैयार किया कि सामान को महफूज करके वहाँ आखिर तक लेके जाएंगे? देखिए जी, जो यहाँ से हम सामान लेके जाएंगे वो हमारे जो अलखिदमत का हेड ऑफिस है हमें वो गाइड करेगा कि आप इस इलाके के अंदर सामान को लेके जा रहे हैं और वो हम अकेला एक ट्रक नहीं जाएगा, हम एक जगह पर काफिला बना के और उनकी तरतीब के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह महफूज अंदाज के अंदर सामान को हम डिलीवर करके आएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये कहना एक बार फिर जरूरी समझता हूँ कि ये मौका ऐसा है कि जिस तरह 14 अगस्त पर किसी कौम की तफरीक नहीं देखी जाती, सिर्फ ये देखा जाता है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के नारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी। हाँ, कोई किसी भी पार्टी से तलक रखता हो, सियासी से हो, समाजी से हो या दीनी जमात से हो, तो इस वक्त ये तफरीक नहीं बल्कि सिर्फ एक मिशन है कि इंसानियत की खिदमत करनी है और पाकिस्तानियों को अपने पाँव पर खड़ा करना। मैं दुआ करता हूँ इसके साथ कहना चाहे कि ये सोच जो आवाम की है, जो तनजीमों की है, ये मेरे मुल्क के हुक्मरानों की वजह के पाकिस्तान को खड़ा करना है। अगर हमारे हुक्मरानों की ये सोच बन जाती है तो यकीन कीजिए वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा होगा और तमाम कर्जे उतर चुके होंगे। लेकिन अभी जो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि सिर्फ हमने अपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। अगर आपने अभी तक किसी कैंप पर कोई पैसा या कोई चीज़ जमा नहीं करवाई तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इस कारे खैर से आप पीछे ना रहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप तकलीफ देखें, मसलक देखें, मसलक देख देखते हमने बहुत डाल लिया, लेकिन अब ये लड़ाई बंद करें। सिर्फ इंसानियत के नाम पर, सिर्फ पाकिस्तानियों के नाम पर आप आगे बढ़ें, किसी भी कैंप पे जाएं, वो किसी भी तंजीम के साथ हो, यहाँ तक तो कोई सियासी हो, हम सियासी लोगों को लाइक नहीं करते मैं ज़ाती तौर पर, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कोई सियासी लोग भी वो कैंप लगाते हैं पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ पर जाकर जमा जरूर करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उस वक्त कह रहा हूँ जब मैं 2-3 दिन से लगातार कुछ ना कुछ जमा करवा रहा हूँ किसी ना किसी कैंप पर जाकर। तो आपसे मुझे गुजारिश है कि आज मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए दिया हुआ आपका चंदा इंशाल्लाह कल क़यामत के दिन आपके लिए बड़ा, बहुत बड़ा कार्य खैर का बाइस बनेगा। मैं अभी, आपने मेरे साथ से जुदा नहीं होना, मैं अभी आपको एक और कैंप पर लेके जाऊंगा जड़ा वाला में, दीगर जितने कैंप लगे हैं सबका विजिट बल्कि सबकी ज्यारत, जो ये लोग नेक लोग जो काम करें उनकी ज्यारत करवाने के लिए मैं आपको दीगर कैंप्स पर भी लेकर चलता हूँ। आपने अभी मेरे साथ रहना है, चलते हैं अगले कैंप की तरफ।